जानिए क्यों लगाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी पर छप्पन भोग। मन में भक्ति भजन की शक्ति के बीच नटखट कन्हैया का जन्मोत्सव है। हर साल जन्माष्टमी की एक हफ्ते पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मंदिरों की साज सज्जा, झांकियां और इन सब के साथ सबसे आकर्षक होता है पंजीरी व छप्पन भोग प्रसाद। आराध्य देव कृष्ण कन्हैया को छप्पन भोग चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस बार जन्माष्टमी पर दो तिथियां हैं। वृंदावन में आज यानी 23 अगस्त को भगवान कृष्ण का जन्म किया जाएगा और मथुरा में कल यानी 24 अगस्त को जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस्कॉन मंदिर में छप्पन भोग के साथ ही पहली बार 1008 प्रसाद का भोग लगेगा। इसमें भारत के हर राज्य के खान पान की संस्कृति की झलक दिखेगी। 1008 प्रसाद का भोग में गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान समेत सभी राज्यों की थाली शामिल होगी। क्या है छप्पन भोग के पीछे भक्तों की भक्ति? आखिर छप्पन भोग ही क्यों? क्या क्या होता है छप्पन भोग में शामिल? ऐसे कई सवाल हर किसी के मन में उभरते होंगे। दरअसल छप्पन भोग चढ़ाने की परंपरा के पीछे मान्यता है कि छप्पन भोग से भगवान खुश होते हैं और उनके भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा कहा जाता है कि गोकुल धाम में जब बाल कृष्ण अपनी यशोदा माँ के साथ रहते थे, तब उनकी माँ हर दिन 8 पहर यानी कुल 8 बार उन्हें अपने हाथों से भोजन कराती थी। एक बार जब इंद्रदेव ने गोकुल पर घनघोर बारिश की, तब भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक बिना कुछ खाए उस गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाया था। जब बारिश शांत हो गई और सारे गोकुलवासी पर्वत के नीचे से बाहर निकले, इसके बाद सभी को महसूस हुआ कि हमारे कन्हैया ने 7 दिनों से बिना कुछ खाए पिए हमारी रक्षा की, यानी वो 7 दिन से भूखे प्यासे हैं। तब माता यशोदा और सभी गोकुलवासियों ने अपने कन्हैया के लिए हर दिन के 8 पहर के हिसाब से 7 दिनों को मिलाकर कुल 56 प्रकार के स्वादिष्ट पकवान बनाए। 56 भोग में वही व्यंजन होते हैं जो कृष्ण कन्हैया को पसंद थे। नटखट नंद किशोर के लिए स्वादिष्ट 56 भोग चढ़ाने की परंपरा सदियों से है। जन्माष्टमी की रात भगवान श्री कृष्ण को धनिये की पंजीरी का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। इसके अलावा इसमें अनाज, फल, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, पेय पदार्थ, नमकीन और अचार जैसी चीजें शामिल होती हैं। नेशन भारत के न्यूज रूम से शिवानी पांडे की रिपोर्ट। देश और दुनिया के तमाम बड़े खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशन भारत को।